हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिक मेडिसिन की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सक्शन मशीन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये जो मशीन है वो सक्शन मशीन के नाम से आती है और ये हॉस्पिटल यूज के लिए होती है। आपने हॉस्पिटल में इसको जरूर देखा होगा। इसका यूज होता है कि दिस मशीन इज यूज फॉर क्लीनिंग एयरवेज। तो इस मशीन का क्या काम रहता है कि ये एयरवेज को क्लीन करने का काम करती है। यानी जो श्वसन तंत्र होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, या जो हमारी नेजल कैविटी होती है इंसान की, मनुष्य की, तो ये नेजल कैविटी और थ्रॉट, गले की नली, इन सबको साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गाइज, ये मशीन क्या करती है कि इस मशीन की सहायता से हवा के रास्तों को साफ किया जाता है। जैसे कि जब कोई न्यू बॉर्न चाइल्ड जब इस दुनिया में आता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, तो उस समय आपने देखा होगा कि बच्चे की नाक में जो है डॉक्टर एक नली डालते हैं, पतली सी नली डालकर इसकी नाक से जो है गंदगी को साफ किया जाता है। मतलब इसके नाक और गले को साफ करते हैं, इसके एयरवेज को क्लियर करते हैं। तो गाइज, ये मशीन क्या करती है कि ये काफी फोर्स के साथ में जो गंदगी होती है इसको सक कर लेती है और सक करके इन कंटेनर में ये जमा हो जाते हैं। ये मशीन है, एक मोटर से ऑपरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और इसका जो है एयरवेज को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा जब किसी मरीज़ का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एमरजेंसी कंडीशन होती है, तो मरीज़ को क्या है, मुँह से और नाक से खून आने लगता है। तो इस मुंह से और नाक से खून को साफ करने के लिए, यानी निकालने के लिए, क्लियर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इस सक्शन मशीन का काम रहता है। आई होप कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इन्हीं विशेष के साथ आप सेफ रहें और देखते रहें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।